रायबरेली में कौन जीतेगा, किसकी किस्मत में बनेगा हार का संयोग। अखिलेश की बेटी अदिति ने खुलकर बताया दुश्मनी और दोस्ती पर से पर्दा उठाया। रायबरेली में एमएलए अदिति सिंह ने तोड़ी चुप्पी, राहुल गांधी की जीत और बीजेपी कैंडिडेट दिनेश सिंह से अदावत पर रखी बात। यूपी की सबसे हॉट सीट रायबरेली में पांचवें चरण के अंतर्गत मतदान हो गया। सोनिया गांधी के रिटायरमेंट के बाद उनके बेटे राहुल गांधी यहां से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने एमएलसी और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। इस सीट के तहत आने वाली ऊंचाहार विधानसभा से मनोज पांडे ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन सदर सीट से विधायक अदिति सिंह की चुप्पी साल रही थी, जिसे अब उन्होंने तोड़ा है। हालांकि अदिति सिंह ने चुप्पी चुनाव के एक दिन पहले तोड़ी, जिसमें उन्होंने कहा चुनाव में कैंडिडेट का चयन पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होता है, टिकट देने का पार्टी का फैसला स्वीकार्य है, मैं पूरी तरह से भाजपा के साथ हूं और वैसे भी चुनाव प्रधानमंत्री के चयन का हो रहा। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं और यह सबसे जरूरी बात है। राहुल गांधी की तरफ से चुनाव में 5 लाख के अंतर से जीत के दावे पर अदिति सिंह ने कहा यह सिर्फ उनका चुनावी नारा है, पिछले चुनाव में भी सोनिया गांधी के लिए यही बात कही गई थी, लेकिन उनका मार्जिन 1.5 लाख का रहा। बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों पर दबाव डालने के सवाल पर अदिति ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। 2017 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आई अदिति सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के लिए प्रचार कर रही थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले वो भाजपा में शामिल होकर चुनाव में जीतकर दोबारा विधायक बन गई। वो यहां से लोकसभा टिकट पाने के लिए भी जोर लगा रही थी, लेकिन भाजपा आलाकमान ने दिनेश पर भरोसा जताया। स्थानीय राजनीति में दिनेश सिंह और अदिति के परिवार में अदावत मानी जाती है। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह अब जबकि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच अब भी 36 का आंकड़ा है। दोनों की अदावत खुलकर उस वक्त सामने आई जब लोकसभा चुनाव के दौरान अदिति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बड़ी बात कही, जिससे बात सामने आने लगी दुश्मनी तो पक्की वाली है, दुश्मनी से समझौता तो अदिति कर नहीं सकती। अदिति ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ एक फोटो डालते हुए लिखा था उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं, इसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे थे। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा इनसाइड।